हेलो दोस्तों, तो ये एक न्यू सीरीज है जो कि आज रिलीज हुई है और इस एपिसोड में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इस स्टोरी की स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ। तो इसमें हमारा एक मेन कैरेक्टर लेन होने वाला है जो कि बेहद ही नल्ला किस्म का बंदा है। मतलब उसके पास कोई भी पावर नहीं है, कल्टिवेशन तो उसके पास कुछ करता ही नहीं है, पूरा प्रोटेक्शन इसकी फैमिली देती है यानी कि लेन फैमिली। पर इसे कहीं से मास्टर यू की पावर मिल जाती है। मास्टर यू एक ऐसे वॉरियर है जो गॉड से भी फाइट अकेले कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर यू मर जाएंगे तो उसकी पूरी पावर हमारे मेन कैरेक्टर लिन को मिल जाएगी। और फिर लिन किस प्रकार मास्टर यू के जो मारने वाले हैं उनसे बदला लेता है और अपने आप को किस प्रकार से चेंज करता है, वो आपको आने वाले स्टोरी यानी कि एपिसोड में पता चल जाएगा। इसलिए प्लीज एंड तक बने रहना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मास्टर यू को जो कि गॉड्स से फाइट कर रहे होते हैं। साथ में गॉड्स उन पर ये ब्लेम लगा रहे होते हैं, तुमने ह्यूमन को बचाने के लिए गॉड्स की सीमाओं को पार कर दिया है। इस बात को सुनकर मास्टर यू कहने लगते हैं कि मैं इंसानों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत सारे कड़े कड़े कानून हमारे इस ह्यूमन पर वर्ल्ड पर लगा दिए हैं, इसलिए मैं ना चाहते हुए मुझे इन्हें तोड़ना पड़ रहा है। और मैं यह चाहता हूँ कि आने वाले समय में सभी ह्यूमन तुम्हारी कैद से आज़ाद हो जाएंगे। और ऐसा कहकर वह उन पर अटैक कर देते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी चारा नहीं था। पर हम देखते हैं गॉड्स ने उन्हें पूरी चारों तरफ से घेर लिया होता है और उनसे कहने लगते हैं कि आज तुम्हें यहाँ जिंदा वापस तो नहीं जा सकते। पर जो मास्टर यू होते हैं वही बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और वह कहने लगते हैं कि देखते हैं कौन किसको मारता है। और ऐसा कहकर वह गॉड्स पर अटैक कर देते हैं। पर यहाँ पर गॉड्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए हम देखते हैं कि वह तो लगातार आते ही जा रहे थे। फिर हमें मेन कैरेक्टर लिन को दिखाया जाता है जो कि सपने में यह सब देख ही रहा होता है। हमारा सीन फिर से उन्हीं गॉड्स पर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है गॉड्स के अटैक की वजह से मास्टर यू काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे और वह सोचने लगते हैं कि यहाँ पर मैं गॉड्स को नहीं मार सकता क्योंकि उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये सिंगल सिंगल आएंगे तो मैं इन्हें आसानी से मार के पटक भी सकता हूँ, पर यहाँ पर इनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है इसलिए मुझे और कुछ दिमाग लगाना होगा। और ऐसा कहकर भाई अपने एक ड्रैगन को बाहर निकाल लेते हैं जिसमें कि भाई अपना सारा स्पिरिचुअल कोर उसे दे देते हैं, जिससे कि ड्रैगन उसे अपने मुँह में लेकर वहाँ से निकल जाता है किसी ऐसे बंदे की तलाश में जो कि मास्टर यू के एंसेस्टर बन सके। और हमें दिखाया जाता है मास्टर यू को जो कि मर चुके हुए होते हैं और मरने से पहले भाई कहने लगते हैं कि मेरा एंसेस्टर आकर तुम सभी को तबाह कर देगा। और मुझे ड्रैगन से ये उम्मीद है कि भाई ऐसे बंदी को चूज़ करे जो कि बहुत ज़्यादा नेक दिल हो। इसके बाद हमारा सीन हमारे मेन कैरेक्टर लिन पर आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड था और उसके सारे शरीर पर पट्टी लगी हुई थी। हम देखते हैं कि भाई चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी सरबेंट आ जाती है जो कि सीधा अगर उसके ऊपर गिरने ही वाली होती है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक ऑरा क्रिएट हो जाता है जो कि पिंक कलर का था और आसपास का टाइम भी फ्रीज हो चुका था। यह देख कर लिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वह कहने लगता है कि यह कैसे हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से सीधा ड्रैगन आकर हमारे मेन कैरेक्टर लिन की ओर चला जाता है और उसके शरीर में घुस जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का टाइम फिर से सही हो जाता है और जो वह सर्वेंट होती है वह सीधा आकर लिन पर गिर जाती है और उनसे कहने लगती है मास्टर आप ठीक हो। और लिन कहने लगता है कि तुम मुझे मार कर मुझसे ही पूछ रही हो कि क्या मैं ठीक हूँ। और इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें एक हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर बू फैमिली का एल्डर बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर एक डिसाइपल आ जाता है जो कि उसका ही एक डिसाइपल था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह उससे कहने लगता है कि मास्टर आपने मुझसे जैसा काम करवाने के लिए कहा था वह मैंने कर दिया है। पर इस बात को सुनकर वह मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और उस बंदे से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि लिन अभी भी जिंदा है। इस बात को सुनकर वह बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था और कहने लगता है कि मास्टर शायद यहाँ पर मेरी ही गलती हो गई होगी क्योंकि जब मैंने इनको बहुत ही ज़्यादा मार दिया था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जगह वहाँ हो गए थे जिसकी वजह से मैं उसे चेक नहीं कर पाया कि भाई पूरी तरह से मारा गया है या नहीं। इस बात को सुनकर एल्डर कहने लगता है कि पर तुम्हारी गलती की वजह से मेरी डॉटर को तो सजा भुगतनी पड़ेगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिन फैमिली और वो फैमिली के बीच में एक डॉटर का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो फैमिली की डॉटर और लिन फैमिली के बंदे के साथ शादी होने वाली थी। पर यहाँ पर यह तोड़ने के लिए यहाँ पर यह लिन को मारने का प्लान बना रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वह बंदा होता है वह कहने लगता है कि हम ऐसा कर देते हैं कि हमारी डॉटर से यह सबके सामने कहलवा देंगे कि हमें लिन फैमिली के बंदे से कोई भी ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि उस पर एक अटैक हुआ है और वह खुद पर अटैक होने वाले बंदे से भी नहीं निपट पाया और ख़ुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो ये हमारी बंदी को यानी कि मेरी डॉटर को क्या प्रोटेक्ट करेगा, इसकी वजह से हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। और ऐसा कहकर भाई एल्डर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है
और इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें एक हॉल में दिखाया जाता है एलन फैमिली यानी कि लेन को ही, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह सो रहा होता है और उसकी सर्वेंट वहाँ पर आ जाती है साथ में। तभी वहाँ पर लेन को भी उसा जाता है। यह देख कर वह सर्वेंट लेन से कहने लगती है कि मास्टर आपको उसा ही गया, आप कम से कम 3 दिन से बीमार हैं। इस बात को सुनकर लेन कहने लगता है क्या मुझे 3 दिन से उस नहीं आया, तो उसकी सर्वेंट हाँ कहती है। पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी सर्वेंट लेन को बताने लगती है कि आपकी मदर आपके लिए एक डॉक्टर को ढूंढने के लिए गई है, बट वह ऐसी जगह पर गई है जहाँ पर लौट के आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, बट आपको तो आपकी मोम की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। साथ में आपकी मोम ने कुछ संदेश रखा है। इसके बाद हमें वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देने लगती है जो कि उससे कहने लगती है कि मेरे बेटे मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढने के लिए जा रही हूँ और मैं आकर उन बंदों से ही बदला लूंगी जिनने की तुम्हें इतना ज्यादा इंजर्ड कर लिया है। इस बात को सुनकर लेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह जैसे ही उठता है उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है और वह अपनी सर्वेंट को अपना सपना बताने लगता है, जिसमें कि वह बताता है कि मैंने सपने में मास्टर यू को देखा है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड को बचाने के लिए पूरी तरह से लड़ाई कर रहे थे और गॉड्स उन पर भारी हो गए और उन्होंने पूरी शक्ति मुझे दे दी। इस बात को सुनकर उसकी सर्वेंट हंसने लगती है पर हम देखते हैं कि लेन कहने लगता है कि हाँ ये सपना ही है, पर वह नहीं मानता और वह अपने कल्टीवेशन लेवल को चेक करने के लिए वहाँ पर बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि वह जीनियस बनने वाला है क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ज़्यादा तेजी से इंक्रीज होने लगा है और उसकी वजह से आसपास का और सीधा आकर उसके कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। और इस बात को जानकर वह अपनी सर्वेंट से कहने लगता है कि तुम्हारा मास्टर अब जीनियस बनने वाला है और वह अपनी मॉम को भी अब बचा कर लेकर आएगा और साथ में जिन बंदों ने उस पर अटैक किया था उनको भी वह नहीं छोड़ेगा। इस बात को सुनकर सर्वेंट कहने लगते हैं कि आप सपने से अभी उठे हैं, थोड़ा सो जाइए। और इसके बाद हमारा सीन नेक्स्ट डे पर आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लेन एक जगह पर आ चुका था जहाँ पर वह एक फैन को देखता है और उसे उठाकर वह अपनी सर्वेंट से पूछने लगता है कि यह किसने दिया। इस बात को सुनकर उसकी सर्वेंट ने बताने लगती है कि मास्टर आप जब आप 3 दिन से भी होश थे तो यहाँ पर एक यान फैमिली के एलराफ से मिलने के लिए आए थे, पर उन्होंने देखा कि आप तो बहुत ज्यादा गहरी नींद में हैं तो उन्होंने अपना गिफ्ट यहाँ पर रख दिया है और इसीलिए लेन काफी ज्यादा खुश होने लगता है और वह कहने लगता है कि अब तो मुझे उन्हें धन्यवाद करने के लिए वहाँ पर जाना ही होगा और साथ में उन बंदों से ही फाइट करनी ही होगी जिनने की मुझे इंजर्ड किया है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड तक देखने के लिए एंड थैंक्स।